Assalamualaikum dear students, we are learning geography of class 10th chapter 4, that is agriculture. Our today's topic is technological and institutional reforms in agriculture. आज हमें जानना है हिंदुस्तान में किस तरह से technological और institutional reforms किए गए. Fine? तो पहले समझिए कि institutional और technological reforms होते क्या है. रिफॉर्म्स का मतलब होता है इस्लाह, तब्दीली करना, पॉजिटिव चेंज लाना. और जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज टेक्नोलॉजी. फाइन. और दूसरा है इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन. या प्रैक्टिसेस जो मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं, तो वो उनमें किस तरह से तब्दीली लाएगी, दैट्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस, दैट्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. और नंबर वन वाज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं. फाइन. तो आज हमें इन्हीं के बारे में जानना है, खास तौर पर एग्रीकल्चर के तनाजुर में. जब हम एग्रीकल्चर की बात करें, हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर, इसको प्रैक्टिस किया जाता है सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. लेकिन हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, या हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ज्यादा नहीं लाए गए. हम उसी लैंड को बार बार इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी है सॉयल की, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं. और जो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी जो है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून्स. और हम देखते हैं कि क्योंकि जो आबादी है हिंदुस्तान की वो बढ़ती रहती है, और हमें इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हम जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको बेहतर तरीके से सर्व कर पाए, उनका गुजारा ठीक तरह से कर पाए. तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई गई, या तो उनका पहले हम जिक्र करेंगे यहां पर. नंबर वन इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, और पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कोलेक्टिवाइजेशन. कोलेक्टिवाइजेशन, कोलेक्टिवाइजेशन, कोलेक्टिवाइजेशन क्या होती है? इसमें जो हमारे पास या तो बाज अकात जो स्टेट ओनर लैंड होता है, या स्टेट रन मशीनरी होती है, वो लैंड जो है जो हमारे पास फार्मर्स को देती है, तो वो कलेक्टिवली काम करते हैं. लेकिन बाज अकात क्या होता है इसमें, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो फार्मर्स होते हैं वो काम करते हैं एज ए ज्वाइंट एंटरप्राइज. मनी फार्मर्स work on holdings, on their land holdings as joint enterprise. कहने का मकसद यह है कि वो इकट्ठे काम करते हैं, वो as a unit इस पर काम करते हैं. किसी भी land पर जब वो pool करते हैं अपने resources को, तो इकट्ठे काम करते हैं और इसको treat करते हैं as joint enterprise. तो उस वक्त हम कहते हैं it is a collectivization of agriculture. Number second is consolidation of holdings. Consolidation of holdings. Consolidation of holdings क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्योंकि जो लैंड होता है फार्मर्स के पास, वो इन पीसेस होता है. एक जगह पर एक कनाल होगा, दूसरी जगह पर दूसरे कनाल होगा, तो वो अपने जो उनके पास जो लैंड होता है उसको क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ लैंड करते हैं. यहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ लैंड, वो तबादला करते हैं लैंड का, एक्सचेंज ऑफ लैंड, ताकि जो उनकी होल्डिंग्स हैं वो एक जगह जमा हो पाए और वो बेहतर तरीके से क्या कर पाए, जो हमारे पास काश्तकारी होगी,
कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसमें जो ओनरशिप होती है इंडिविजुअल होती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ लैंड टेक्स प्लेस। जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं उनको एक जगह जमा किया जाता है, एक फार्मर एक जगह लेता है, दूसरा फार्मर दूसरी जगह लेता है, ताकि उसके उनको उनको फायदा पहुंचे, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सके, वो जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उनको अप्लाई कर सके। सो दैट्स अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। फाइन, इसके बाद जो है कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर लोग जो हमारे पास फार्मर होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज। जैसे हमारे पास फर्टिलाइजर्स के लिए या हमारे पास जो हमारे पास क्रेडिट लाइन होती है पैसों के लिए, वो इकट्ठे काम करते हैं, एज यूनिट काम करते हैं। वो क्रेडिट मुहैया करना हो, पैसे मुहैया करना हो, फर्टिलाइजर्स मुहैया करना हो, पेस्टिसाइड्स मुहैया करना हो, तो वो किसी स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव्स। इसके साथ हम देखते हैं कि जब आजादी हुई तो यहां पर देयर वॉज एबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदार क्या होता था? जमींदार जो है एक इंटरमीडिएट, जो हमारे पास क्योंकि इंपीरियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियलिज्म था, तो जो जमींदार हुआ करता था वो जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था, और जो जमींदार हुआ करती है बाद जो हमारे पास फार्मर हुआ करते उनका इस्तेसाल करते थे। तो जब आजादी हुई तो जो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया हिंदुस्तान में। फाइन, इसके साथ हम देखते हैं जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया तो हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स सिंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो हमारा पहला 5 साल मंसूबा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 5 साल मंसूबा, इसमें जो हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स हैं उन पर जोर दिया गया। जब हम लैंड रिफॉर्म्स की लैंड की इस्लाह की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट टीनेंसी रिफॉर्म्स, टीनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इंटरमीडिएट को खत्म करना। अब देखो यहां पर टीनेंसी रिफॉर्म्स में हम बात करते हैं, जो हमारे पास टीनेंट हुआ करता था, जो एक लैंड लॉर्ड के तहत काम करता था, उसी को ये सिक्योरिटी नहीं रहती, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहती थी, उसको एट विल जो हमारे पास लैंड हुआ करता था, एट विल उसको पहले रखता था फिर छोड़ देता था, तो उसको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं हुआ करता था। फाइन, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाज का जो हमारे पास टीनेंट होता था, एक तो इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया और बाज अवकार इसको ओनरशिप दी गई, ये मालिक बनाया गया इसी लैंड का जहां जिस पर ये काश्तकारी करता था, लैंड लॉर्ड की जो जमीन, जो लैंड लॉर्ड का जमीन हुआ करता था उस पर ये काश्तकारी करता था, लेकिन बाज अवकार इसको ओनरशिप बख्शी गई जो गवर्नमेंट थी उस वक्त। फाइन, सो दैट्स अबाउट टीनेंसी रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग। इट मीन्स की लैंड सीलिंग क्या था, इसमें जो कैप रखी गई, इसमें जो मैक्सिमम लैंड एक लैंड लॉर्ड कितना रख सकता है। फाइन, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहां पर जो लैंड होल्डिंग की सीलिंग रखी गई 182 कैनाल जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास जो टीनेंट हुआ करता था, जो पीजेंट हुआ करता था, उसको एक मौका मिला लैंड को हासिल करने का। फाइन, इसके साथ साथ जो हमारे पास चूंकि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इसलिए की गई ताकि जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी यहां जिक्र किया कंसोलिडेशन को, इसमें एक्सचेंज ऑफ लैंड होता है, या जो हमारे पास लैंड होल्डिंग है वो मुस्तकम की जाती है, वो बड़ी बनाई जाती है ताकि उसमें डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अमलाया जाए। क्योंकि हमारे पास जो लैंड होल्डिंग होती है बिकॉज ऑफ राइट टू इनहेरिटेंस, क्योंकि जो लैंड होल्डिंग है ये पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और क्योंकि आबादी बढ़ जाती है, जो होल्डिंग होती है, जो हमारे पास लैंड का मिकदार होती है वो कम होती रहती है, इस वजह से भी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स टेक्स प्लेस। फाइन, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स है उनमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, या तो हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं करी, और जो रेस्पॉन्स था इट वॉज अ ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स, अच्छी तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को अप्लाई नहीं किया गया। फाइन, लेकिन हम देखते हैं कि 1960s और 70s में, 1960s 1970s
इसके दौरान हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर पर काफी काम किया गया, खासतौर पर जो हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है और जो खासतौर पर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर की गई, और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की के लिए काम किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, और हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल पैकेज का इस्तेमाल किया गया। जैसे हम अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये इनकलाब था एग्रीकल्चर में, और जो हम देखते हैं कि इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, और इरिगेशन को की दस्तियाबी हम देखते हैं कि फराहम की गई, जो हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। और साथ साथ में हम देखते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में, चूंकि इसका दूसरा नाम जो है ऑपरेशन फ्लड है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो दूध का जो हम डिफिशिएंट थे दूध की प्रोडक्शन में, हम देखते हैं कि अब वो फ्रॉम इम्पोर्टिंग मिल्क टू एक्सपोर्टिंग मिल्क, दूध को हम पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, इसके बाद बिकॉज ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड, हम दूध को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर में बूम आया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी और व्हाइट रिवॉल्यूशन में। ये जो रिवॉल्यूशन थे ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, रीजन्स में ने फायदा पहुंचाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये इसका असर हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का इलाका है, तो उस इलाके को फायदा पहुंचा, लेकिन जो बाकी इलाके हैं उनको ज्यादातर से फायदा नहीं पहुंचा। इसके साथ साथ दैट वाज अबाउट इन 1960s एंड 70s। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड इन 1980s एंड 1990s। इन दहाइयों में, इंडिकेट्स में क्या चेंज लाएगी, हम देखते हैं कि जो हमारे पास लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि इसमें जो है बोथ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई। फाइन, हम देखते हैं कि यहां पर जो है, जो हमारे पास फार्मर्स है उनको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई, क्रॉप इंश्योरेंस, खासतौर पर किस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई, जैसे हम देखते हैं कि ड्रॉट पड़ जाता है, ड्रॉट, फ्लड, सैलाब आते हैं, फैमी। फाइन, इस तरह से हम देखते हैं कि बाज जो हमारे पास क्रॉप्स होते हैं उनको डिजीज लग जाती है, या फायर डिजीज या आग लग जाती है, तो उन चीजों से उन चीजों को इंश्योरेंस, इन हालात में इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। फाइन, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जो हमारे पास उनको, जो हमारे पास फार्मर्स है उनको लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई, लोन फैसिलिटीज, जैसे हम देखते हैं कि यहां पर जो है ग्रामीण बैंक्स वजूद में आई, ग्रामीण बैंक्स, जो विलेज के लिए बैंक्स वजूद में आए, ग्रामीण बैंक्स, हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव्स वजूद में आए, कोऑपरेटिव्स, और मुख्तलिफ जो बैंक्स है वो अब लो इंटरेस्ट रेट पर, जो हमारे पास कम ब्याज पर, जो फार्मर्स को जो हमारे पास लोन प्रोवाइड करने लगे। फाइन, and loan at low interest rate, इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ स्कीम्स भी हिंदुस्तान में लॉन्च की गई, हम देखेंगे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। फाइन, ये क्या था, इसमें जो हमारे पास एक कार्ड जो हमारे पास फार्मर को दिया जाता था और उसको मुहैया किया जाता था, जो हमारे पास पैसे हैं जो कि उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, इनपुट देना पड़ता था, सीड्स की सूरत में, या फर्टिलाइजर लाने पड़ते थे, पेस्टिसाइड लाने पड़ते थे, तो उनके पास पैसे मयसर रहे, तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलियत उनको फराहम की गई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल
एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है ये लॉन्च की गई ताकि जो हमारे पास फार्मर है उनको बाज़ औक़ात वो मर जाते हैं क्योंकि उनको काफी टफ काम होता है, तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई बाय द स्कीम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इससे उनको काफी जो राहत मिली उनकी फैमिली को, ताकि जो है जो उनको लॉस होता है फैमिली को बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स, तो उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई बाय दिस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेदर बुलेटिन हैं, वेदर बुलेटिन लॉन्च की गई, खास तौर पर हम देखते हैं कि टीवीज में टेलीविजन पर या रेडियो पर डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि जो हमारे पास एक फार्मर होती है उसको इंफॉर्मेशन मिले कि जो हमारे पास वेदर की कंडीशंस क्या होने वाली और उसकी तैयारी, वो उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखे और उसको फायदा पहुंच सके। इसलिए इसके लिए हमने क्या मुहैया किया गया, जो हमारे पास वेदर बुलेटिन उनके लिए रखी गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास गवर्नमेंट है उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम देखते हैं कि उनको रूमिनरेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये एक बेसिक क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें जो गिरावट आ जाती है और सफर जो करता है वो फार्मर करता है और बाज़ अवकात जो फार्मर होते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि जो उनके पास इनपुट होता है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है अपनी फार्म लैंड पर उनको वहां से उतना मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है तकरीबन आज के वक्त हम देखते हैं कि 25 क्रॉपर जो है जो हमारे पास फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें गवर्नमेंट ने ईयर बाय ईयर वो पब्लिश करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस क्रॉप के लिए क्या होगा। फाइन, इससे हम देखते हैं कि जो हमारे पास फार्मर होते हैं उनको प्रॉफिट भी मिलता है कि उनको मिनिमम किस कॉस्ट पर जो है जो क्रॉप है वो सेल करना है। फाइन, और रेम्यूनरेशन देते हैं खासकर हम देखेंगे शुगर केन को, जो हमारे पास शुगर मिल्स हैं जो शुगर केन को खरीदते हैं तो उनके लिए रेम्यूनरेशन की फैसिलिटी, या हम देखते हैं कि जो बाज़ का जो गवर्नमेंट है ये खुद प्रोक्योर करती है प्रोक्योरमेंट ऑफ जो हमारे पास क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनको प्रोक्योर करते हैं ताकि जो हमारे पास जो सट्टेबाज होते हैं जो हमारे पास स्पेकुलेटर्स होते हैं या मिडल मैन होते हैं इनसे जो हमारे पास फार्मर्स हैं वो बच सकें, जो हमारे पास क्या होते हैं मिडल मैन एंड स्पेकुलेटर्स, जो हमारे पास मिडल मैन होते हैं जो हमारे पास फार्मर होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है मार्केट की तो वो मिडल मैन का सहारा लेते हैं और मिडल मैन जो बाज़ का उनका इस्तेमाल करते हैं। सेम इज द केस विद स्पेकुलेटर, जो सट्टेबाज होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट की क्या प्राइस है कौन सा क्रॉप किस रेट पर अभी बेच रहे हैं तो वो स्पेकुलेट करते हैं और उनसे उनको फायदा पहुंचता है और एट द रिसीविंग साइड कौन होता है फार्मर होता है और उस बेचारे को नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है, जो हमारे पास क्रॉप्स उनको रेम्यूनरेशन देते हैं और बाद का जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करते हैं फार्म प्रोडक्ट्स और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसी पर फिर चलता है। फाइन, जो हमारे पास फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं या हम देखते हैं कि जो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दैट वाज अबाउट इन 80s एंड 90s किस तरह से निजाम चला। अगर हम बात करेंगे आज भी हमारे पास एग्रीकल्चर की से मुंसलिक मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जैसे वी हैव नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेमी इरिगेशन होता है उसमें कल्टीवेशन को यकीनी बनाया जा सके सेमी एरिड रीजन्स में। इसी तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री
कृषि विकास योजना। फाइन, इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें हम देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है एग्रीकल्चर की विकास योजना में, कृषि विकास योजना। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें इरिगेशन को जो हमारे पास है उसको फैसिलिटेट किया जाता है, जो इसका स्लोगन है मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप्स, पर ड्रॉप ज्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा सके, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा जो है फोकस होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाइन, सो नेचुरल जो हमारे पास मैन्यूर होता है उसका इस्तेमाल होता है, दैट्स परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये कुछ स्कीम्स है जो आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो हमारे पास करंट गवर्नमेंट है तो उसने लॉन्च की हुई है। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।